हेलो गाइस, वेलकम टू सारंजी एडीसी। फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी 10वीं कंप्लीट किया है वो लोग टाटा मोटर्स में आईटीआई कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी आईटीआई किया है वो टाटा मोटर्स में डिप्लोमा कर सकते हैं। तो आपको एडमिशन कैसे लेना है टाटा मोटर्स कंपनी में आईटीआई करने के लिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखने का उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप टाटा मोटर्स में आईटीआई के लिए अप्लाई कैसे करें और एडमिशन कैसे लें। तो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी 2022 में 10वीं कंप्लीट किया है वो लोग सोच रहे हैं कि मेरे को आईटीआई करना है, तो आप टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी में आईटीआई कर सकते हो। और आईटीआई आप करते हो उस टाइम पे आपको कंपनी में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, क्या आपको सैलरी कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आप 10वीं कंप्लीट करने के बाद आईटीआई टाटा मोटर्स जैसी कंपनी में कैसे करें, और आपके साथ ही साथ आपको सैलरी भी मिलेगा। मतलब कि आप टाटा मोटर्स में आईटीआई के लिए अप्लाई करते हो तो आपको हर मंथ सैलरी मिलेगा, हर रोज़ खाने का मिलेगा। मतलब कि आप जॉब के लिए जब जाते हो तो आपको एक टाइम खाने का और दो टाइम नाश्ता मिलेगा। जैसे कि आप गवर्नमेंट आईटीआई में आप एडमिशन लेते हो तो आपको वहाँ पे 8 घंटे का स्टडी रहता है, और आपको वहाँ पे जाते हो बस से, जाते हो बस से आते हो, वहाँ पे आपको कुछ खाने का भी नहीं मिलता है, घर से पैसा लेके जाना है, उसमें साथ एग्जाम का पैसा, उसके बाद आपको कुछ असाइनमेंट लिखने हैं, उसके बाद कॉलेज का बहुत सारे जॉब बनाने हैं। उससे अच्छा आप टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी में आईटीआई कर सकते हो, उसमें आपको वो सब झंझट से आप छुटकारा ले सकते हो, और आपको हर मंथ सैलरी भी मिलेगा। उसी सैलरी से आप घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हो, आपका खुद का खर्चा भी आप खुद निकाल के सकते हो। और जो लोग अभी पास आउट हुए हैं आईटीआई 10वीं कंप्लीट किया है वो लोग टाटा मोटर्स में एडमिशन लेके ये सब फैसिलिटीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये पहली बेंच है जो कि टाटा मोटर्स में इस तरह से वैकेंसी निकला है, और ये पहली बार ही निकल रहा है, और ये पहला बेंच रहेगा जो लोग इस तरह से टाटा मोटर्स में आईटीआई कर सकते हैं। और जिन लोगों ने आईटीआई कर चुके हैं वो लोग टाटा मोटर्स में डिप्लोमा भी कर सकते हैं, उसके लिए भी कैसे एडमिशन लेना है इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा भी नंबर दे रहा हूँ, और यहाँ पे दो नंबर आपको दिख रहे हैं वो कंपनी के एचआर के नंबर है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कंपनी के एचआर को भी कॉल करके पूछ सकते हो। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको नंबर भी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। और ये मैं पूरा चीज़ पढ़ के भी हिंदी में बताऊंगा, जो लोग गुजरात के बाहर से है और ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों की लैंग्वेज गुजराती समझ नहीं आएगी, तो उसके लिए मैं पढ़ के भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ओवरऑल आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आपको एडमिशन लेना है। तो जिन लोगों ने एडमिशन अभी आईटीआई में ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टाटा मोटर्स में ये दो नंबर पे हेल्पलाइन पे फॉर्म बात करके कंपनी गेट पे जाके आपको इंटरव्यू रहेगा, और आपका इंटरव्यू एडमिशन रहेगा, और आपको मम्मी पापा को आपको साथ में लेके जाना है क्योंकि अभी 10वीं कंप्लीट किया है, 16 साल की उम्र है। तो हम भी समझ रहे हैं, कंपनी वाले भी समझे कि आपको पापा मम्मी पापा को अलाउड किया जाएगा वहाँ पे, और वहाँ जाके आपको एडमिशन लेना है। और ये दोनों नंबर की आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा, तो ये दोनों नंबर पे कॉल करना है। कॉल नहीं लगता है तो आपको www.jobsananjiidc.com पे वेबसाइट के विजिट करना है। वहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उसी व्हाट्सअप नंबर पे आप चैट करके भी जो आपके जो भी डाउट है वो सॉल्व कर सकते हैं। नीचे कमेंट भी करेंगे तो मैं भी आपको जो भी आपके डाउट हो गया उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो भी आपका डाउट है उसको मतलब कि अच्छे से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो सारी कमेंट पेपर ऊपर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। तो नीचे कमेंट कीजिए कि आपको जो भी डाउट है, और वीडियो को आपके जो भी फ्रेंड अभी अभी 10वीं कंप्लीट किया उन सभी फ्रेंडों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है यूट्यूब पे भी जॉब वैकेंसी के वीडियोस अपलोड होते हैं, इस तरह से जॉब भी रहता है। टाटा मोटर्स ने जो ये नोटिफिकेशन बाहर पड़ा है इस तरह से हम आईटीआई टाटा मोटर्स में कर सकते हैं, उन लोगों को पता नहीं रहेगा, क्योंकि मैं भी 10वीं करता था तो मेरे को भी ये सब डाउट मतलब कि पता नहीं था कि इस तरह से जो यूट्यूब है यूट्यूब पे इस तरह से वैकेंसी के वीडियोज अपलोड होते हैं, तो मेरे को भी पता नहीं था। तो आपको जो नॉलेज है आप इस वीडियो को आप तक पहुँचाए, तो आप अपने जो फ्रेंडों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। जो भी आपके फ्रेंड है जिन लोगों ने अभी आईटीआई किया है और वो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग जॉब ढूंढने से पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करेंगे, उनका करियर खराब कर सकते हैं, उससे अच्छा है वो टाटा मोटर्स में डिप्लोमा कर ले 3 साल के। और जिन लोगों ने अभी 10वीं किया है वो 2 साल कुछ गवर्नमेंट कॉलेज आईटीआई में या प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन ले गए, 2 साल अपना खराब करेंगे, मम्मी पापा का पैसा बर्बाद करेंगे, उससे अच्छा है वो टाटा मोटर्स में जाए, वहाँ पे उसका कल्चर समझे। उसके बाद आपको वो लोग जैसे ही टाटा मोटर्स कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं मतलब कि आईटीआई के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों को हर मंथ 12,000 सैलरी भी मिलेगा,
उसके बाद टाटा मोटर्स की बस आपको रूम पे लेने के लिए आएगी, रखने के लिए भी आएगी, और आपको दो टाइम, एक टाइम खाना और दो टाइम चाय नाश्ता भी टाटा मोटर्स कंपनी में मिलने वाला है आपको। जैसे आईटीआई में जैसे रहता है उसी तरह से आपको वहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा, काम करवाया जाएगा, लाइन पे आपको काम करने का रहेगा, और पूरी तरह से आपको वहाँ से भी समझाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो फ्रेंड आप इस तरह से टाटा मोटर्स में एडमिशन लेके अपनी आईटीआई कंप्लीट कर सकते हो। और जिन लोगों ने आईटीआई कंप्लीट किया है वो लोग सोच रहे हैं कि अभी मेरे को जॉब करना है नहीं तो डिप्लोमा करना है, तो जॉब करना है तो आप जॉब के साथ साथ डिप्लोमा भी कर सकते हैं। आपको डिप्लोमा पास आउट का भी सर्टिफिकेट आप ले सकते हो टाटा मोटर्स जो अहमदाबाद के जो सानंद जीआईडीसी में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का जो प्लांट है वहाँ पे टियागो टिगोर के जो पेट्रोल इंजन डीजल इंजन की जो कार है वो भी मैन्युफैक्चर होती है, और जो टियागो टिगोर और नेक्सॉन के जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो भी वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है, और जो पास में जो फोर्ड का प्लांट है वो भी अभी टाइप किया है। तो आपको वहाँ पे जॉब मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा, और आप अपने 3-4 साल टाटा मोटर्स में निकालने के बाद आप खुद का बिजनेस करना सोच रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ से बहुत कुछ सिखाया जाएगा, किस तरह से इंजन काम करता है, किस तरह से कार चलती है, बहुत कुछ आपको वहाँ पे ट्रेनिंग के बेस पे सिखाया जाएगा। और एचआर, इतना बड़ा एचआर में ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है टाटा मोटर्स कंपनी में कि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा, उनकी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपको इस तरह से समझाएगी जो कि आपको आईटीआई में भी इतना जो स्किल डेवलप का है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स स्किल डेवलप के प्रोजेक्ट पे बहुत बड़ा काम कर चुकी है। और मैं भी खुद वहाँ पे विजिट करके आया हूँ, तो मेरे को उसी के, मैं वहाँ पे टाटा मोटर्स प्लांट में गया था, मैंने विजिट किया था एचआर में, उसके बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मैंने भी वहाँ पे देखा है उसका कल्चर किस तरह से कंपनी काम कर रही है। वहाँ पे आप जैसे ही एचआर में जब जाएंगे एडमिशन लेने के लिए तो आप भी देखेंगे वहाँ पे कार का कोई इंजन निकाल के रखा है, पूरा इंजन को खोल के रखा है, किसी गाड़ी को मॉडिफाइड करके रखा है, उस तरह से जो प्रोजेक्ट किए हैं, जो कि आपको एक बार जाके उतना मतलब कि सीखने को मिलेगा कि आप आईटीआई करके भी उतना नहीं सीख पाएगा उतना टाटा मोटर्स में। मतलब कि एक बेनिफिट की बात करूँ तो आपको सैलरी भी मिल रहा है, उसके बाद कंपनी की बस लेने के लिए भी आ रही है, खाने पीने का मिल रहा है, तो और आपको वहाँ पे इतना कुछ मिल रहा है मतलब कि तो आप 100% टाटा मोटर्स में जाके आईटीआई कर सकते हो। और फ्रेंड आपका जो पैसा भी जो आप आईटीआई करने में मतलब कि आपको एग्जाम देना है, हर रोज़ आईटीआई में जाना है, 80% अटेंडेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपको असाइनमेंट लिखने है बहुत कुछ। जिन लोगों को असाइनमेंट लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है मतलब कि क्या मतलब कि लिखना पढ़ना, हम तो आईटीआई कर रहे हैं हमको आगे जाके क्या लिखने पढ़ने का, वो जो सोच रखते हैं वो टाटा मोटर्स में जाके आप अच्छे से आपको मतलब कि उसका जो कल्चर है वो समझ आएगा जाएगा। तो फ्रेंड आप इस जॉब के लिए मतलब कि एडमिशन लेना है तो आप गुजरात के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, MP बिहार UP कहीं से भी आप है तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आपके जो भी फ्रेंड है टाटा मोटर्स में आईटीआई करना चाहते हैं वो सभी फ्रेंड टाटा मोटर्स में आईटीआई कर सके, और आपके जो भी फ्रेंड है आईटीआई कर चुके हैं टाटा मोटर्स में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा के लिए भी टाटा मोटर्स में जाके एडमिशन ले ले, क्योंकि वहाँ पे आपको 3 साल का डिप्लोमा रहेगा, 2 साल का आईटीआई रहेगा। और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना चाहते हैं तो इसके बाद मैं एक दूसरा भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें 17,000 सैलरी है, और टाटा मोटर्स में आप जिनके पास 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है वो टाटा मोटर्स में जाके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर सकते हैं, जो कि सुखमा का कॉन्ट्रैक्ट है। तो बहुत कुछ आपको टाटा मोटर्स के बारे में आपको हर रोज वीडियोज की अपलोड मिलेगी, बहुत आज जो आसपास में सानंद जीआईडीसी में 100 से ज़्यादा कंपनी है वो सारी कंपनी की वैकेंसी की अपडेट मिलेगी सानंद जीआईडीसी यूट्यूब चैनल पे और www.jobsanandjeedc.com की वेबसाइट पे, दोनों वेबसाइट और दोनों यूट्यूब चैनल मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। तो आपका जो भी डाउट है, आपको कुछ मतलब कि कुछ भी डाउट है, कोई भी जॉब के रिलेटेड डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट पे भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा उस तरह से मैं वीडियोस का अपडेट आपको देता रहूंगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड आपको गूगल पे, तो फ्रेंड आपका जो भी गूगल ब्राउजर है मोबाइल में उसी विंडोज को आपको ओपन कर देना है, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जॉब सानंद GIDC आपको सर्च करना है। अब जैसे ही सर्च करेंगे आपके आपके मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउजर है वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा है, नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको इस यहाँ पे इस वेबसाइट पे यहाँ पे दिख रहा होगा
जॉब सानंद जीआईडीसी, उसी वेबसाइट को आपको ओपन करना है। तो जैसे ही आपको इस वेबसाइट को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है ऑल जॉब वैकेंसी व्हाट्सएप ग्रुप, और यहाँ पे ऊपर भी दिख रहा है ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। आप किसी एक के ऊपर टैप करेंगे तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक हियर पे टैप कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब वैकेंसी का जो 25 नंबर का ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप ज्वाइन नाउ पे टैप करेंगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जो कि सानंद जीआईडीसी के जो सारे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं जिसमें हर कंपनी की वैकेंसी की अपडेट आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नई जॉब वैकेंसी के साथ।